कैसे हैं आप सब लोग? तो हम दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन इस बार ही हमने बना लिया एक नया वर्ल्ड। उस वर्ल्ड में भूल गया था मैंने क्या क्या किया था, और मैंने कहा यार छोड़ो फिर एक नया वर्ल्ड बना लेते हैं। तो भाई देख रहे हो स्पॉन अपने को कहाँ मिला, स्पॉन के साथ में ही अपने को यहाँ मिल जाता है एक, क्या कहते हैं इसे, पता नहीं यार पोर्टल, कौन सा पोर्टल कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा मेरे को। भाई दो दो गोल्ड की पैंट्स मिल गई अपने को, यार नाम याद नहीं आ रहा इसे क्या कहते हैं। तो चेस्ट में से हमने लूट लिया, लेकिन यहाँ गोल्ड नहीं और सैवा भी नहीं है। यार अगर गोल्ड होता तब भी मैं लूट नहीं पाता गोल्ड को, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है आयरन, और अभी तो हमारे पास गोल्ड भी नहीं है। तो उसके बाद मैं एक सही सी जगह ढूंढ रहा था जहाँ हम अपना घर बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा यार तभी हम जल्दी से पेड़ को कलेक्ट कर लें, वुड्स कलेक्ट कर लें हम, तो या मैं वुड्स को तोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास पिकेक्स तो है नहीं या ना ही एक्स, भाई अपने को अभी टाइम लगने वाला है थोड़ा। तो यार वर्ल्ड को ढूंढ, मैं जगह को ढूंढ रहा था कि यार क्या पता अपने को आसपास कोई विलेज ही मिल जाए, लेकिन यार अपने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। और भाई अपने को और बेकार सी जगह मिल रही थी, ये भाई काली वाली जगह मेरे को बहुत बेकार लगती है, क्योंकि यार भाई पूरा ही जंगल जंगल रहता है। तो गाइस यार उसके बाद मेरे को यहाँ विलेज मिल जाता है पास में ही, तो उसके बाद इस विलेज में हम चलते हैं लूटते हैं। हाँ तो यार क्राफ्टिंग टेबल और एक ये बैरल पड़ा है, तो यार बैरल तो छोड़ो, बैरल का कोई यूज़ नहीं होता, नहीं पता नहीं यार मेरे को पता नहीं क्या यूज़ होता, शायद चेस्ट वाला ही यूज़ होता है उसका भी, अब पता नहीं यार। तो यहाँ गए भाई कैसा नल्ला विलेज है यार, चेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं मिल रही। तो चलो गाइस यार एक चेस्ट अपने को मिल चुकी है, और इसमें है थोड़े पटेटोस और ब्रेड्स, तो ये तो स्टोन कटर है। तो उसके बाद जो मैंने वुड्स कलेक्ट करी थी उसकी मैं बना लेता हूँ स्टिक्स, और उसके बाद स्टिक्स से हम लोग बनाएंगे पिकेक्स, उसके बाद करेंगे स्टोन कलेक्ट, लेकिन उससे पहले हम हेविल कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई इसने मेरे को बहुत बारी मारा, लेकिन दो तीन बारी मारा, लेकिन इस बार मेरी बारी है, अब मार के दिखा यार तू। तो यार ये बहुत ज़्यादा अटैक्स में मरता है, शायद से मैं 30+ अटैक्स मारता हूँ इस पर, तब जाके ये मरता है, मतलब भाई कितनी ही जान होती है यार गोलेम्स में। तो चलो गाइस यार ये गोलम मर गया, और अपने को दो आयरन और मिल गए हैं। तो उसके बाद मैं डर्ट हटारता, मैं नीचे जाता स्टेयर्स बना के, क्योंकि अपने को भी स्टोन कलेक्ट करना था, क्योंकि यार स्टोन का सामान सही रहता है, वुड का भाई बहुत ही बेकार रहता है, बहुत स्लो काम होता है। तो भाई वीडियो यार लेट हो रही थी थोड़ी, बस हो रही थी यार थोड़ा, मतलब मैं बताने नहीं वाला भी, लेकिन हाँ भाई था कुछ। लेकिन अब जहाँ तक है हम लोग रेगुलर वीडियो डालेंगे, और माइनक्राफ्ट की वीडियो भी जल्दी जल्दी आने लगेगी अब। तो भाई मैंने यहाँ से अपने क्राफ्टिंग टेबल से बना लिया है पिकेक्स, तो इस बेड को मैं ले लेता हूँ जिस पे मैं सोऊंगा, और भाई एक घर भी अभी चूज कर लेंगे हम लोग, कौन से घर में अपने को रहना है। हाँ तो उसके बाद गाइस यार मैंने सबसे अलग वाला घर चूज कर लिया था, क्योंकि ये बड़ा भी था थोड़ा, सही था, मतलब अच्छा लगा मेरे को बस। तो उसके बाद यहाँ मैंने अपना बेड डाल लिया था, और भाई उसके बाद मैं वापस से स्टोन कलेक्ट करने आ जाता हूँ। देखो भाई मैं यार बहुत सीन कट करता हूँ, उसके बाद मैंने फर्नेस बना लिए थे, मैं दूसरी बात और बोल फर्नेस और चेस्ट, मैं बहुत सीन इसलिए कट करता हूँ क्योंकि भाई अगर मैं सारे सीन कट नहीं करूँगा तो मेरी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, और भाई अगर मेरी वीडियो बड़ी रहेगी तो पब्लिक नहीं देखेगी यार, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर अभी नहीं बना हूँ। मैं अभी अगर 10-15 मिनट की वीडियो डालूंगा तो मेरे लिए सही होगा, क्योंकि भाई अभी हम उतने नहीं हैं, टेक्नो गेमर नहीं है कि भाई 1-1 घंटे की वीडियो डालें। तो यहाँ मैं अपने घर बना रहा था, और भाई नीचे देखो कितने सारे ज़ॉम्बी हैं, तो उन ज़ॉम्बी को मार के मैं वापस पुराने वाले घर में आ जाता हूँ, और वापस अपना ये बना लेता हूँ, उसके बाद लगा रहा होता हूँ। देखो भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस सात सात का वो करके, सात सात स्टोन लगा के मैंने चार दीवारी खड़ी कर दी है बस, चार, 1 2 3 4, हाँ भाई चार ही हैं। तो उसके बाद मैं एक शवल बना लेता हूँ, और शवल से मैं नीचे खोद रहता हूँ सैंड को, और उसके बाद यहाँ हम नीचे भी एक और रूम बना लेते हैं, मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। देखो भाई सबसे पहले तो अपना घर ही है, इतना बन रखा है,
तो उसके बाद मैं आता हूँ वुड कलेक्ट करने। तो मैंने काफ़ी सारे वुड कलेक्ट कर ली थी। और भाई देखो ये कुछ मैंने ऐसा बना लिया है, और मैंने अभी कुछ भी नहीं करा, मतलब मैंने बस सामान ही कलेक्ट करे हैं अभी तक। मैं जब कोई बड़ी चीज़ बनाऊंगा तो मैं पूरी पूरी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं ऐसा छोटा छोटा बना रहा हूँ, तो यार कोई दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं अपने को। तो यहाँ मैं पिकेक्स बना लेता हूँ, और भाई रात होने वाली है, तो यहाँ मैं एक टॉर्च चुरा लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने नीचे वाले रूम में लगा दूंगा, बेसमेंट में, नीचे वाला रूम नहीं, नीचे बेसमेंट में लगा देंगे हम लोग, क्योंकि भाई अंधेरा रहेगा तो जॉम्बी भी स्पॉन हो सकते हैं, और जॉम्बी भी नहीं तो यार अंधेरा अच्छा नहीं लगता ना गाइस। देखो यार मैं आज ना थोड़ी कमेंट्री भी भूल गया हूँ कि किस तरीके से बढ़िया कमेंट्री करें। तो उसके बाद मैं यार दो गैप नीचे, दो लाइंस नीचे की तोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई ऊपर हम फिर जंप नहीं कर सकते ना बिल्कुल भी। नीचे भी हमें एक अलग स्टोन्स लगाने हैं, तो बस यही बात है, इसलिए मैं दो लाइंस तोड़ लूँगा। तो उसके बाद मैं वापस से वुड कलेक्ट करने आ गया था, और भाई मैंने पता नहीं किस कैलेंडर को मारता कि यार कैसे मेरे को ये दो बोन मिली थी, और यहाँ एक डॉगी है, देखते हैं यार ये टेम होगा कि नहीं होगा। यार ये तो हड्डी एक खा गया, ओ भाई दो दो हड्डी खा गया तब भी टेम नहीं, वो कितना कितना गंदा बच्चा ये। तो कोई बात नहीं यार, इसका मन नहीं था टेम होने का, इसलिए नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ इसको मार दूँ, लेकिन भाई छोड़ो यार, नहीं मारने, रहने दो। तो यार वुड कलेक्ट करके मैं वापस से यहाँ चल लूँगा, यहाँ से चल लूँगा, तो चलो भाई वुड कलेक्ट कर लेते फटाफट। तो भाई देखो यार वुड और स्टोन ये सब कलेक्ट करना कोई वो ऐसी बात नहीं है कि भाई, लेकिन भाई एक बहुत से हो सकता है, आप लोग कमेंट बता देना अगर आप लोग ऐसा लगता है मैं क्रिएटिव यूज़ करता हूँ, कि मैं ये सब सामान क्रिएटिव से ला, तो आप लोग कमेंट कर देना कि भाई ये सीन वुड भी कलेक्ट करते हो, ये भी पूरा दिखाओ। लेकिन बस भाई अगर ये तुम कह रहे हो ना कि ये भी पूरा दिखाओ, तो वीडियो को भी उतना ही देखना भाई, ये नहीं है कि भाई अगर तुम बस ये बोल दो कि हाँ भाई इतना आप पूरा दिखाओ, और भाई वीडियो को आप उतनी देख रहे हो, तो यार ये गलत सीन हो जाएगा ना थोड़ा। तो यार मैं वापस अपने घर में चल लेता हूँ, क्योंकि मैंने वुड कलेक्ट कर लिया, मैंने काफ़ी वुड कलेक्ट कर दी जो कि मैंने दिखाई नहीं थी। हाँ तो यहाँ मैं फर्नेस में रख देता हूँ स्टोन्स पकने के लिए, तो ये स्टोन्स बनेंगे, उसके बाद हमें बनाने स्मूथ स्टोन्स, और स्मूथ स्टोन को हम लगाने वाले हैं नीचे जमीन पर। तो गई उसके बाद यहाँ मैं अपनी शवल चेस्ट में रख देता हूँ, और यार देखो थोड़ा बेड पे मजे ले लेता है, जम कर लेते हैं बढ़िया से। तो उसके बाद मैंने अपनी पिकेक्स वापस से ले ली और चलते हैं नीचे। तो गई ये देखो कुछ ऐसा हो गया है, मतलब कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ मैं ये एक लाइन तोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये अलग से ही दिख रही है बिल्कुल। तो ये मैंने ऊपर तक तोड़ लिया था, तो यार ये आप लोग को थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये वीडियो का ऊपर का वो होता है जो, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि मेरी वीडियो कहीं रुक तो नहीं, क्योंकि भाई बड़ी वीडियो बनाओ ना तो बीच बीच में रुक जाती है। तो यार मैं एक एक लाइन का जगह को तोड़ लेता हूँ, ऐसे करता हूँ थोड़ी जगह बड़ी हो जाएगी अपनी। तो तोड़ते रहते हैं यार, जल्दी जल्दी काम हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और भाई ये वीडियो तो छोटी है, लेकिन जो मतलब छोटी है, नहीं पता नहीं यार छोटी है ही नहीं है, हाँ छोटी है यार, 9 मिनट की वीडियो यार, क्या ही 15 मिनट की तो नहीं चाहिए माइनक्राफ्ट वीडियो, ये वीडियो छोटी है, मैंने बहुत से फालतू सीन इसमें थे, कुछ खास सीन नहीं थे। तो देखते हैं यार अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में हम क्या करेंगे। और भाई मैं कमेंट्री थोड़ी बोरिंग सी कर रहा हूँ, आप लोग को बोरिंग लग रही है क्या? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने 2-3 दिन से बिल्कुल भी कमेंट्री नहीं करी है। हाँ तो कहीं सर यार मैंने स्मूथ स्टोन पकने को रख दिए हैं शायद, अरे नहीं यार स्मूथ स्टोन नहीं रखे, तो ये जगह देख लो आप लोग कैसी है, मैंने कैसी बना रखी है। तो यार मैं स्मूथ स्टोन बनने के लिए रख देता हूँ जल्दी से जल्दी, और स्मूथ स्टोन जल्दी से बन जाएंगे तो उसके बाद हम लगा देंगे। स्मूथ स्टोन मैंने रखने को बन दिए, अरे भाई यार मैं क्या ही भूल रहा हूँ। तो यहाँ मैंने स्टोन को पकने के लिए रख दिया है, वो स्मूदी स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ लगा देते हैं
प्लैंक्स थोड़े वुड के। तो यार मैं जल्दी जल्दी काम कर देता हूँ ये, उसके बाद अपना घर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे वापिस से एक नई वीडियो बनाने। तो नेक्स्ट वीडियो यार बढ़िया वाली आएगी, ये वाली वीडियो आप लोग को थोड़ी बेकार लगेगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो बढ़िया वाली आएगी। तो जल्दी जल्दी मैं प्लैंक्स लगा देता हूँ, भाई टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ यार टाइम तो बहुत है। तो यहाँ मैं पूरी जगह पे अपना प्लैंक्स लगा देता हूँ। तो यार मतलब काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे ये वाले जो मतलब नया नया इस वाले सेटिंग्स में खेलता है, जैसे के लिए मेरे जैसे कि मेरे लिए है भाई, मेरे को काफ़ी मुश्किल होती है इस वाली सेटिंग में। लेकिन भाई थोड़ी आदत पड़ जाएगी ना तो अपने लिए भी आसान हो जाएगी। तो मैं जल्दी से यहाँ स्टोन तोड़ लेता हूँ ये। तो भाई तो यहाँ मैं इस जगह पे भी प्लैंक्स लगा देता हूँ, तो पूरी जगह पे प्लैंक्स लग जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग स्मूथ स्टोन लाएंगे और लगा देंगे।